अरे मेरे को ट्वीट होना नहीं आते, मेरी ट्वीट दिलवा दोगे? शार शार मे नीरा नीरा दीदी की मम्मी पापा कितने प्राउड होंगे, वो बोलते होंगे मारी छोरी के छोरों से कम है का? बोलो, मैं जा रहा हूँ स्कूटी लेकर। क्यों नहीं लेनी है? नहीं लेनी यार, नंबर लेट हो गया यार। पैसे उतने लग रहे हैं। पैसे की बात नहीं है, स्कूटी लेके जाना नहीं। क्यों नहीं यार, इसकी कोई रिस्क नहीं है। रिस्क है तो इश्क है, नाम बनते हैं रिस्क से भाई, हमने तो जाना है भाई। नाम नहीं करा। तो गाइस अभी आपको भाई जा रहा है जम्मू में, तो आपको सीधे मिलता हूँ जम्मू में ही। ओके ठीक है। तो गाइस पहुंच चुका है आपका भाई जम्मू में, और अभी आप लोग सोच रहे हो रक्षण भाई आप इतना बैग शैग उठाकर कहाँ पे जा रहे हो? तो भाई अभी आपका भाई जा रहा है पढ़ने के लिए। आपके भाई ने एडमिशन ले लिया है वुमेन कॉलेज गांधीनगर में, और भाई साहब इतना डर लग रहा है ना, पहला दिन है आज। वैसे ना त्रेली ऐसी पड़ रही है, मगर डर लग रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा कुड़ियाँ होंगी और कुड़ियों के बीच में कल्ला आपका प्रगट भाई, कैसे पड़ेगा भाई, कैसे पड़ेगा? मतलब शर्म भी आएगी और डिस्ट्रैक्शन से भी फील होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा लड़कियों को देखकर आपके भाई का मन चंचल सा हो जाएगा। नहीं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर ब्रॉड्स इन द लंग जिस तो लीन द फ्रंट, ये तो मेरे से तो चलो अब आपको सीधे मिलता हूँ कॉलेज में, या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग होता है आपसे बात करते हैं, ठीक है? चाचू वीडियो देखते हो? कहाँ से हो आप? मैं जम्मू से हूँ। आपने तो देखा? 13 साल से हूँ मैं, देखा आपको। ओ भाई स्प्रे पागल स्प्रे गट को जानते हो? मैं जानता अच्छी तरह। चाचू लव यू ट्रैक कुमार का चप्पल लाओ चप्पल लव यू ट्रैक कुमार। गाइस यार देखो कितनी खुशी होती है जब ऐसे शहर चन्नी करने रहा है। यो जय दुनिया तेरी कितनी वीडियो दे दी यार। कौन है तू? हटा प्रा है जा प्रा नहीं है चाचू। आ मैं चाचू कहते हैं चाचू। तू मेरा पति है शहर में चन्ने रहा शहर चन्नी करने रहा। और भैया क्या हाल है? ठीक हो? तेरे फैन देखे चाचू, आप सबसे बड़े फैन हो यार। हां देला तू हटा पति है यार। बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए तेरी वीडियो देख के। बड़े खुश हो गए बड़े खुश। डैडी के साथ है ठीक? नहीं हां है मैं सुना ही है डैडी दे मारोगे सर। शुक्र है मालिक का, अल्लाह का शुक्र है। और बदो बोलो और अच्छा वीडियो बनाओ, धमाका दे देंगे। और गाइस भाई फादर कह रहा हूँ, बब्बे दिखा तुमको कह रहा हूँ, इतनी ज्यादा डीमोटिवेशन हो गई थी ना, मतलब मैं बोल रहा था भाई वीडियो बनाना छोड़ देने, लेकिन जब इन भैया लोगों को इन सारे चाचुओं को देखता ना, अब इतनी खुशी हो रही है ना, सिर्फ आने का मन कर रहा है। क्या बोल रहे हो? सिर्फ आ दो अपना। अच्छा चाचू भाई, तो गाइस इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना, मतलब अक्टूबर चल रहा है और भाई जम्मू की हालत देखो, इतनी गर्मी पसीनों पसीन हो गया आपका भाई। अब लिफ्ट मांग नहीं पा रहे कि लिफ्ट लेके चलते हैं आगे। अरे लिफ्ट कोई लिफ्ट नहीं देता भाई, कोई लिफ्ट नहीं देता आपका भाई। अरे लिफ्ट कोई लिफ्ट नहीं देता। चलो मेरे भाई एक बड़ा खतरनाक सा आइडिया, सांस करते हैं, रुक जाओ। क्यों हो रहे जान दो भैया, कुछ नहीं है मैं पागल हूँ। लिफ्ट मिल गई, यस लिफ्ट लेने की निंजा टेक्निक। यो चाचू बोले पितरी माँ नहीं 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 कोई और सुना बढ़िया। शहर में निगरनेरा भैया 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 टॉयलेट जाना है, टॉयलेट आगे है, आप चलोगे मेरे साथ? अरे मेरे को टुई धोना नहीं आते, मेरी टुई दिलवा दोगे? अरे मेरे को टुई धोना नहीं आते, मेरी टुई दिलवा दोगे? अच्छा।
दे दूंगा पानी में। आप तो धो नहीं सकते हो। धुलवा दूंगा यार। चलो भैया यार तू पुलिस वाले आएंगे यार। आप धुलवा दोगे प्लीज भैया। अब वो दिलवा देंगे उनके पास। तो गाइस फाइनली आपके भाई को लिफ्ट मिल चुकी है। भाई अपने सब्सक्राइबर भैया मिल गए हैं, इन्होंने लिफ्ट दे दी भैया। थैंक यू। सो गाइस फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है यहाँ पे कॉलेज में, देख सकते हो। दिस इज द कॉलेज और आजकल इसका नाम कुछ चेंज हो गया, पद्मश्री पद्म सच देवा गवर्नमेंट पीजी वुमेन कॉलेज गांधीनगर। ठीक है अब अंदर चलते हैं। और गाइस आपके भाई ने आपसे झूठ बोला था, कोई एडमिशन एडमिशन नहीं ली हुई है। आपका भाई बताऊँ किस लिए आया हुआ कॉलेज में? मैंने किसी अपने कॉलेज से SPMR से यहाँ पे फोटोग्राफी में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके रिलेटेड आया हूँ। अब देखते हैं क्या बनता है। होकर आ चुका है आपका भाई। और भाई यार मतलब वेस्ट हुआ ना यार, मतलब पहले का भाई सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि बच्चे ही 19 थे। उन्होंने बोला 19 तारीख को कंपटीशन करवाएंगे, उसी में से सिलेक्ट कर देंगे। आज ऐसे ही फजूल हुआ ना यार। और गाइस आप लोगों को ना मैंने एक चीज बताई नहीं, पता क्या यार, मतलब 4-5 दिन से ना आपका भाई इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था ना, मतलब इतनी टेंशन में हो गया था, मतलब लोगों को हंसाने वाला खुद टेंस हो गया था। क्योंकि भाई मतलब यार आपको पता है घर वालों से प्रेशर, पापा बोलते हैं पढ़ता नहीं है, 24 घंटे व्लॉगिंग करता रहता है, क्या करेगा उसकी टेंशन, कि भाई को व्यूज नहीं आ रहे हैं उसकी टेंशन। भाई मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा समझ रहे हो। कनेक्ट मतलब जैसे अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, दिस इज द कनेक्शन। लेकिन भाई आपका बताऊंगा करता था, प्रैंक्स करता था, उछलता था, चाचू बल्ले ऐसे ऐसी हरकतें करता था। ऐसे थोड़ी आप लोग कनेक्ट करोगे, नहीं ऐसे कनेक्ट नहीं करोगे, बातचीत से आप लोग कनेक्ट करोगे। भाई व्लॉग बना तो कनेक्शन बनेगा रक्षण, तो तभी आपका भाई व्लॉग बना रहा है। ठीक है हाँ। आप लोगों को एक चीज बताऊं, मतलब यार व्लॉगिंग है क्या? हम लोग कैमरा उड़ाकर निकल जाते हैं व्लॉग बाजार में, वीडियो बनाने, शीडियो बनाने, व्लॉग बनाने, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि व्लॉग है क्या है। व्लॉग इज ऑल अबाउट टेलिंग ए स्टोरी। भाई अभी मैं चल रहा हूँ, बताते जाओ जो बात करनी है करो, बकवास कर ही जा रहा हूँ अब से मैं। ठीक है ना, दिस इज व्लॉगिंग। और ये हमें यहाँ पे दीदी दिखी है डोडा से। दीदी व्लॉग देखते हो? हाँ। कैसे लगते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे। शुक्रिया दीदी, कमेंट भी करती है मेरे को भी, इन्होंने नाम बताया वंशिका कोतवाल। मैंने बोला हाँ दीदी आप करते थे कमेंट, थैंक यू दीदी, ऐसे सपोर्ट करते हो, आग लगा देंगे। बोल रहे हैं मैं ना ऐसे तो मैं अपने क्लास के सारे बच्चों को बताती हूँ, लक्षण शर्मा व्लॉग देखा करो। बोलते अब मैं और ज्यादा लोगों को बताऊंगी इसके व्लॉग्स देखो। माँ थैंक यू दीदी यार। अब इतनी मुशक्कत के बाद इतने लोगों की बजाकर अब आपका भाई आएगा यहाँ पे गन्ना जूस पीने, जहाँ भी आपका भाई हमेशा गन्ने का जूस पीता है। ठोको 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 ताली ताली ठोको। और ये लड़की आपको दिख रही होगी, इस लड़की ने मेरे को बताऊंगा अपने बालों की है, जब से मेरे कितने बालों से चार बहुत काम थे, तब से मेरे को बोलो गया हुआ, तब से वीडियो देख लिया और आज हम फेस टू फेस मिल रहे हैं। नमस्ते आंटी, आंटी नमस्ते, ठीक हो? आयुष्मान भो, कीर्ति मान भो, बोलो यूट्यूब में फेमस हो जाए। ऑलरेडी फेमस है और फेमस होता है। फेमस होना और सुनाओ बढ़िया भाई, आज मतलब पहली बार फेस टू फेस मिली मेरे को लड़की, ऐसे मेरे को इंस्टाग्राम में बात होती है लेकिन आज फेस टू फेस मिल गई, बहुत अच्छा लगा। गन्ने का जूस पीना, गन्ने का जूस पी लिया तो No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I'm not a bad man. भाई इतना मत देखो मुंह तो देगी। भाई इतना स्मार्ट कैसे है तू? भाई गर्लफ्रेंड है? दो है। इस लड़के की भी बुजुर्ग है आपका भाई, सिंगल है सिर्फ सैड लाइफ। वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते सोच रहा हूँ मैं, वो जो मोमोज वाली लड़की जो वायरल हो रही है ना उसके पास जाते हैं और मोमो ट्राई करते हैं। भाई मतलब यार इतने लोगों ने वीडियो बना दी, भाई सोच रहा आपका भाई भी बना लेता है। ठीक है तो गाइस एक मेजर अपडेट है, रक्षित जी मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं मोमोज खाने के लिए, क्योंकि आपका भाई अकेला जा रहा था तो मैंने बोला भाई शेयरिंग इज केयरिंग।
तो गाइस अभी आपका भाई मोमोज खाने जा ही रहा है रचित के साथ। तो अभी विक्रांत भाई भी दिख गए हमारे, जानता है ना भाई, जानता है भाई, भाई मेरे कॉलेज में पढ़ता है भाई, कभी इसको डाला नहीं ब्लॉग में, लेकिन भाई जैसे ये हमारी जिगर का टुकड़ा है वैसे ये भी हमारा जिगर का टुकड़ा है, हमारी डीकरो, ये भी हमारी डीकरो है। तो अभी हम आए हुए हैं मोमोज खाने के लिए, क्योंकि भाई हमने सुना हुआ है यहाँ पे ना खानजोर लद्दाख रेस्टोरेंट बड़ा फेमस हो रहा है। तो हमने बोला भाई यहाँ पे खाने आए, मैं उधमपुर से स्पेशली यहाँ पे यही खाने आया हूँ भाई, भाई फादर, मैंने बोला भाई बनाना है, भाई व्यूज बहुत आ रहे हैं इस चीज़ में कट कर देना शार में मेरा। और ये है वो दीदी जिन्होंने मतलब ये रेस्टोरेंट खोला हुआ है और ये अभी चटनी बनाते हो। दीदी कुछ बताना चाहते हो अपने रेस्टोरेंट के बारे में, बोल सकते हो? हेलो एवरीवन। यार ये मतलब दीदी ना रुक रुक के बोल रही है, इनको हिंदी नहीं ना आती होगी, तो ऐसे हेलो एवरीवन आती है। लद्दाखी बोल के दिखाओ कुछ, लद्दाखी में हेलो एवरीवन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कर रहे हो, सब ठीक ठाक हो? क्या कर रहे हो, सब ठीक ठाक हो? क्या कर रहे हो, सब ठीक ठाक हो? बोल बोलो। दीदी ने जो भी बोला समझ में नहीं आया लेकिन सुनकर अच्छा लगा। दीदी मत बोलो मुझे, दीदी मत बोलो मुझे। बेटा मन में लड्डू फूटा, रुको जरा सबर करो। छोस बोलो छोस। जे हुण तू भी बदल गया मैं ते। मारो मुझे मारो। अभी चटनी बना रहे हैं और आपको भी मोमोज दिखाएंगे, मोमोज खिलाएंगे भाई, बहुत स्वाद रहे मोमोज बनाते हैं भाई। मैं स्पेशल आया हूँ उधमपुर से, मैंने बोला भाई मोमोज खाने और आप लोगों को स्वाद बताना है, ठीक है? और आपको दीदी एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो कुत्ता से भी ज्यादा। दीदी की मम्मी पापा कितने प्राउड होंगे, वो बोलते होंगे मारी छोरी के छोरों से कम है का, सही बात है, सही बात है। यही बोलते होंगे। और गाइस यहाँ पे हमारे अतरप जी भी आ चुके हैं, अतरप जी आपको डायलॉग नहीं था, पता नहीं क्या भीख मांगने आ जाते हैं, क्या था वो? गांव बसने लुटेरे। हाँ बस गांव बसाने पहले भिखारी आ गए। मैं बढ़ती रहा भाई, आप लोग भी यहाँ पे आए और मोमोज जरूर। दीदी कसम से करो मेरा एक डायलॉग है, शार चनेरा नहीं शार जोर से शार शार में नेरा नेरा यो। और यहाँ पे एक और भैया आ चुके हैं, भैया भी वीडियो देखते हैं, भैया कैसे लगते हैं? शार चनेरा पार्टी। फील द पावर ऑफ वुमन माय फ्रेंड, फील द पावर ऑफ वुमन। तो जस्ट अभी हमने मोमो पार्टी कर लिया और अभी हम जा रहे हैं घर। अब मेरे को घर में निकल चित्र बनने वाले हैं। अच्छा अच्छा।